एंड अब अलॉय व्हील्स की कॉस्टिंग की बात करें ना, 4 लाख रुपए के भाई, कार इतनी उठ रखी है ना नीचे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड थंबनेल टाइटल वगैरह से आपको पता चल गया होगा भाई आज हम किस चीज का शूट करने वाले हैं। फिलहाल तो ना मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ उस चीज का शूट करने के लिए, मतलब कि मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना भाई रियल लाइफ में देखने के लिए कि भाई कैसी लगती है 26 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ भाई एंडेवर, एंड पूरा उसका एक्सपीरियंस जानने के लिए कि भाई चलते हुए क्या दिक्कतें आती है, मतलब इसके पीछे मेंटेलिटी क्या थी भाई। 26 इंच कौन इंस्टॉल करवाते हैं भाई एंडेवर में, मतलब कि शायद से ना पंजाब में किसने 28 इंच भी इंस्टॉल करा रखे हैं। मतलब एक बात तो है भाई, ये काम ना शौक की बंदे ही कराते हैं, बाकी तो देखते हैं, अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं इससे रिलेटेड। फिलहाल तो जल्दी से पहुंचते हैं भाई चंडीगढ़। फिलहाल तो हम चंडीगढ़ एंटर हो चुके हैं, सेक्टर 10 है ये, और साइड में बैठे हैं दीशु भाई। क्या हाल है भाई? थोड़े शर्मीले हैं, एकदम इन पर कैमरा कर दिया मैंने, आपको पता है व्लॉगर्स की आदत से, राइट लेफ्ट लेफ्ट। अब ना एक काम करता हूँ भाई, मैं थोड़ा ना हो गया चंडीगढ़ में हूँ तो फोन ना रखता ही हूँ, मैंने जस्ट एक अपडेट के लिए फोन पकड़ लिया था डायरेक्टली ना, जो मेन कंटेंट है ना आज का हमारा उसके साथ मिलता हूँ आपको भाई। वो देखो मतलब क्या ही चीज है, मतलब क्या ही, मैं तो देख के ही फैन हो चुका हूँ भाई। 26, मतलब भाई ने अब बताया, मेरी थोड़ी बहुत बात हुई ना कि जो 28 वाले जो बोलते हैं ना लोग होते 26 ही हैं, बाकी तो यार इन डिटेल रुक के बात करते हैं। मतलब क्या ही लुक आ रही है भाई, मैं हैरान हूँ भाई कि इंडेवर में 26 इंच। वैसे इधर हमारे इधर ना स्कॉर्पियो भी है, उसमें भी 26 इंच है, उसके भी होपफुली सुपर सून में वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, मतलब पहले देखूंगा इस पे रिस्पांस कैसा आएगा भाई आप लोगों का। एंड यार अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं ना तो प्लीज याद से ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर इट विल मीन अ लॉट टू मी। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Near the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view, the pain is never gonna stop if it's... तो भाई अब ये देखो आप सामने, बिल्कुल ही मॉन्स्टर, मतलब कि इंडेवर जो नॉर्मल अलॉय व्हील्स के साथ आती है ना वो तो आपको पता है कैसी लगती है, बट यार अब देखना सर 26 इंच के अलॉय व्हील्स 26 इंच, नीचे से मैं आपको दिखाऊं भाई ऐसे लुक, मतलब मैं तो ना देख देख के पागल हो रहा हूँ भाई, मतलब कैसे कैसे। टायर प्रोफाइल की बात करें ना 295R26, मतलब भाई क्या स्पीचलेस। और अलॉय व्हील्स की कंपनी की बात करूँ ना, देखो ऐसे मुझे अलॉय व्हील्स की कंपनी के बारे में इतना नहीं पता, जो इसमें लिखी है ब्लैक जैक लिखी है, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई ब्लैक जैक कौन सा ब्रांड है कौन सा नहीं। एंड डरन, मतलब DURUN के भाई ये टायर्स वगैरह है, मेरे ख्याल से ना चाइनीज टायर ही होंगे भाई, क्योंकि देख सकते हो आप टायर साइज भाई इंडेवर में, भाई आपने देखी है ऐसी इंडेवर में, भाई क्या ही बोलूं स्पीचलेस हूं। एंड भाई चंडीगढ़ में चलती है इंडेवर, चंडीगढ़ में आपको पता है चलान है भाई, अगर आपके टायर ना बाहर आ रहे हैं और ये तो भाई देख के बंदा पता चल जाएगा कि भाई क्या ही चीज है। ऊपर से पीछे ना फिल्मिंग भी करा रहे, इसका भी चलान है, बट भाई वो ये इसका चलान होता नहीं है, अभी ओनर से भी मैं आपको मिलवाऊंगा, बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना डिफॉल्टर कार है भाई, जमा ही डिफॉल्टर। और भाई फोर व्हील ड्राइव है ये, 2000cc वाली, मतलब कि 3.2 नहीं है, जो नई वाली है ना फोर व्हील ड्राइव है। ऑफ रोडिंग तो इसमें अब देख लो क्या ही होती होगी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ के 10 सेक्टर में घूमती है। अभी भी मैं सिटको गेड़ी रूट पे खड़ा हूँ भाई, जो चंडीगढ़ रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि ये है सिटको का गेड़ी रूट, इधर ही बस इस पे गेड़ियां वगैरह बचती हैं भाई कार में। और यार 26 इंच के जो अलॉय व्हील्स जलते हैं ना वो इस चीज के लिए ही है भाई, शोशाबाजी के लिए, सिर्फ और सिर्फ शोशाबाजी के लिए। एंड अब अलॉय व्हील्स की कॉस्टिंग की बात करें ना 4 लाख रुपए के भाई टोटल सेटअप, अलॉय व्हील्स एंड टायर्स। अब ना कार इतनी उठ रखी है ना, नीचे भी आप आराम से देख सकते हैं भाई, जो शाफ्ट वगैरह दिख रही है ना इसकी फोर व्हील ड्राइव की। और जैसे मैं कार खोल के दिखाता हूँ आपको, चढ़ना आप देख रहे हो कितना औखा होएगा, ऐसे चढ़ना पड़ेगा भाई नीचे, मतलब कि कुछ सपोर्ट वगैरह नहीं है, ऐसे चढ़ना पड़ेगा, ये जो हैंडल्स वगैरह है उसे ग्रैब करके। अंदर से तो कोई खास मॉडिफिकेशन है नहीं, अंदर से तो कार सिंपल ही है। फिलहाल तो ना भाई ओनर से बातचीत करते हैं भाई, ये कि ऐसी मॉडिफिकेशन क्यों भाई। तो भाई भाई है कार के ओनर, क्या हाल है भाई, कैसे हो भाई? सबसे पहले ना एक चीज की भाई, ये आइडिया आया कहाँ से? तो भाई टिल्लो प्रीति की देखी थी सबसे पहले, अच्छा वहाँ से आइडिया आया। और ये मेरे ख्याल से अपने नॉर्थ की साइड, मतलब इंडिया में ही कह लो कि दो ही कार हैं ये जो 26 इंच वगैरह की है, दो तीन ही और जिसकी बात आप कर रहे हो उनकी मेरे ख्याल से 28 इंच है ना उनकी में, तो नहीं सेम ही है, अच्छा 26 ही है, अच्छा। और कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ती है इनकी? 4 लाख भाई, 4 लाख की कॉस्टिंग। और ना जैसे यार इंडेवर फोर व्हील ड्राइव है, ऐसे भी आपकी टॉप मॉडल है टाइटेनियम प्लस वगैरह, तो ऑफ रोडिंग वगैरह बहुत करते हैं लोग इससे, बट इस व्हील्स के साथ तो भाई ये मतलब इस पे चढ़ जाए, मतलब वही देख के चढ़ानी पड़ती होगी, आराम से, मतलब इतना भी नहीं है, अच्छा ऑफ रोडिंग तो होते हैं। और जैसे अब टर्निंग रेडियस वैसी कार का ज्यादा है,
तो मोड़ने वगैरह में दिक्कत आती है कार? नहीं, तो कोई डिसएडवांटेज तो होगा भाई इसका? डिसएडवांटेज तो यही है भाई कि एवरेज कम होगी। कितनी होगी? अच्छा पहले 10 तक की देती होगी मुश्किल से? 5 की देगी। अच्छा, और बाकी चलाने में थोड़ा है कि हाँ थोड़ा देख के चलानी पड़ती है, स्पीड में। अच्छा, और जैसे भाई बता ही रहे थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये सेक्टर 10 में जो गेड़ी रूट है उधर ही दिखती है, मतलब कि चलती हुई दिखेगी आपको। और हाँ पीयू में, मतलब कि टशनबाजी की कार है भाई देखा जाए तो, वैसे ही है ना। और जैसे भाई रोड प्रेजेंस तो इसकी मतलब पहली बार देखता होगा, मतलब देखता तो रह जाता होगा ना कि भाई इंडेवर में क्या करा रखे है। और भाई सारे देखते हैं, हर लोग देखते हैं, हर बंदा मुड़ के देखता है ना। और रोकते भी बहुत लोग होंगे भाई? रोकते हैं भाई। भाई सही में मैंने भी ना ऐसे इंस्टाग्राम पे देखा था, फिर उसके थ्रू मैंने दीशु भाई को, मतलब ये इनके कजन है, तो जाके भाई ये कॉन्टेक्ट हुआ हमारा, तो जाके मतलब कि मैं देख रहा हूँ अभी भी ना, मैं मतलब देखते जा रहा हूँ भाई कि क्या सीन है क्या नहीं। और भाई जैसे टायर कंपनी है ये, मतलब कि चाइनीज टायर है ये? चाइनीज टायर है वो, मतलब कंपनी वाले तो इसमें आते नहीं इस साइज में, है ना? 20 इंच से ऊपर की कंपनी। हाँ सही बात है। और ये जो अलॉय व्हील्स हैं ये भी? ये तो हाँ ब्लैक जैक के हैं, इंपोर्ट हुए हैं। अच्छा, और डलवाए कहाँ से थे ये भाई? 11 फेस मोहाली से। अच्छा मोहाली, 11 फेस मोहाली से। अच्छा अच्छा, वैसे मतलब हमारे इधर ज़्यादातर वो है ना कि वेलोसिटी टायर्स वगैरह फेमस है। वेलोसिटी भी है कि मोहाली में पारस भी है। हाँ हाँ, अच्छा वो पारस से डलवाए आपने? पारस से नहीं, बट मेरा कोई। अच्छा वैसे जानकार है। तो इसमें भी वैरायटी आती है, डिज़ाइन एक ही होता है? एक इसमें क्रोम आता है, सिंपल क्रोम। अच्छा अच्छा, पहले तो भाई को थैंक यू, भाई शर्मा रहे थे, मैं का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना बहुत कम दिखने को मिलती हैं। तो ना कमेंट सेक्शन में ना आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में, मतलब कि मैं तो भाई देख के ही अभी बिना शौक में होगी। 28 इंच के टायर, मतलब 26 इंच के टायर इंडेवर में भाई। एक बार भाई कार के ना अंदर चढ़ के दिखाता हूँ आपको, बैठ के दिखाता हूँ चढ़ना कैसे पड़ता है। बॉडी रोल तो मतलब इसमें ज़्यादा फील होएगा भाई, अब देखा जाए ना, है ना मोड़ मोड़ पे, और थोड़ी कार झूलेगी भी ज्यादा। झूलती तो इतनी नहीं है, भारी है, क्योंकि भारी है ये वो है ना। क्या जैसे अगर कोई भी कुछ आए महसूस होता है? हाँ मतलब वो तो है, खड्डे सस्पेंशन पे तो बहुत फर्क आता है। अब जैसे चेंज कराए हैं तो वही बात है कि सस्पेंशन भी तो इसके खराब होंगे लॉन्ग टर्म में, कहते हैं जैसे थोड़े टाइम में हो जाएंगे। अरे शौक की बात है, वो तो है। और अभी TPMS का भी निशान आ रखे ना आगे सेंसर का, कि आएगा ही, वो तो हटता नहीं होगा अब तो। सेंसर ही नहीं है टायर में। अच्छा ये चक्कर है, ठीक है भाई। ये भी अब आपको एक चीज पता चली होगी भाई, जैसे अब टायर चेंज कराए हैं इतने बड़े, तो TPMS का भी ये चक्कर रहता है भाई। हाई स्पीड इस पे कितनी चल जाती है इन टायर्स पे टॉप स्पीड? मैंने तो 80 या 100। हाँ उसके ऊपर जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी इश्यू तो आता होगा, उससे ऊपर तो ले जाने का मन ही नहीं करता। हाँ ये तो है भाई, और बिल्कुल यार लो प्रोफाइल टायर है ना, बस्ट बूस्ट के भी बहुत इश्यूज आते हैं इन टायर्स में वैसे, वो ये। बट इन शॉर्ट अगर मैं क्रक्स बताऊँ ना आपको, कि ये है गेड़ी के लिए भाई कार, टेशनबाजी के लिए, और लोग मतलब देखते हैं ऊपर से काली इंडेवर भाई, काली को तो वैसे ही देखते हैं, कोई भी कार ले लो आप काली ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये है इन भाई की ID इंस्टाग्राम की, इधर ये रील्स वगैरह डालते हैं इंडेवर की, और भी अलग अलग रील्स आप ना मतलब कि Insta ID पे इन्हें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको और जानकारी चाहिए इंडेवर की। Money_Gujjar00010। और वो ये भाई अब देखो कार से उतरना है ना। क्या हाइट जबरदस्त। A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in... तो अब मैं इंडेवर से आ चुका हूँ वरना में, और ऐसा लग रहा है भाई जमीन पे बैठ चुका हूँ, मतलब यार वो तो 26 इंच के लॉय की बात तो और ही ऐसा लग रहा था कि हवा में ही बैठ रखे हैं। एंड जो एक्सपीरियंस भाई लाजवाब, मतलब कि पहली बार मैंने कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करी है। एंड ना मैं अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ भाई, जो इंडेयर के जो स्टॉक लॉयज आते हैं ना भाई ने ना वो रख रखे हैं अभी भी, कि जैसे मान लो कि लॉन्ग रूट पे जाना है तो वापस टायर चेंज कराया और उसमें निकलते हैं, ये तो बस यही जो इधर गेड़ी रूट है ना अपना इधर ही घूमने के लिए है। एंड वो ये ज्यादा ना वीडियो में मैंने उन्हें शो भी नहीं करा क्योंकि भाई शर्मा ही बोल रहा था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं मैं आपको ना खुद ही अलग से बता दूंगा क्या क्या सीन है बाकी तो। एंड आपको एक चीज भी पता होगी भाई, जैसे बड़े बड़े अलॉय व्हील्स वगैरह डलते हैं ना तो कई लोग ना स्पेसर वगैरह भी डलवाते हैं कार में, बट इसमें ऐसा कोई सीन नहीं था क्योंकि भाई इंडेवर वैसी छोटा कार है तो इसमें ना स्पेसर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। विदाउट स्पेसर भाई 26 इंच के अलॉय व्हील्स डल रखे हैं, एंड 26 से ऊपर अगर 28 जाए ना तो वो कामयाब नहीं है भाई। 28 ना जैसे लगेंगे मतलब कि फेंडर वगैरह पे, एंड इसमें भी यही दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत ही, कि जैसे मोड़ते हैं ना कार मतलब तेजी से मोड़ो आप समझ रहे होंगे, जैसे कहीं पे भी यू टर्न वगैरह लेना है तो लग जाते हैं भाई फेंडर वगैरह पे, बट
कुछ भी कटिंग वगैरह नहीं है, अंदर जो लाइनिंग होती है ना उसमें कोई भी कटिंग वगैरह नहीं है, तब करके थोड़े बहुत लग जाते हैं। अगर कटिंग वगैरह हो जाए तो फिर क्या ही लगेंगे भाई। एंड में ना एक चीज सोच रहा हूँ, अगर कार में स्पेसर भी डल जाते ना तो भाई क्या ही हाइट हो जाती कार की। बट वही बात है कि झूलती भी बहुत ज्यादा भाई कार, बॉडी रोल भी बहुत ही ज्यादा आ जाता। एंड फिलहाल तो यार पेट्रोल पंप पे आए हैं, डीजल डलवाते हैं। चंडीगढ़ में जैसे मैंने आपको बताया भाई सस्ता बहुत है डीजल, तो इधर से ही फुल करा लेते हैं। बट ये डाल क्यों नहीं रहा भाई, किस चीज की वेट कर रहे हैं भाई? एक बात बताना, जैसे आप डीजल वगैरह डलवाते हैं तो कार से उतरते हैं अंकल जी की तरह या फिर बैठे रहते हैं? मतलब कोई कोई लोगों को होता है ना कार से उतर के उधर खड़के देखने की आदत कि भाई ये डल रहा है नहीं डल रहा है, पैसे भी उतर के ही देने हैं। जैसे अंकल ने ना ये करा, पहले खड़के डलवाया, फिर गए कार के अंदर पर्स निकाला, फिर अब बाहर आए पे करने के लिए। सबका अलग माइंडसेट है एंड लोग अपनी अपनी जगह पे ठीक भी है। बट कमेंट्स करके आप बताना आपकी आदत क्या है भाई। चंडीगढ़ में रेट है 90.81, देखते हैं फुल कितने की होती है। 3944 का हो चुका है, बट मैं 4000 राउंड ऑफ कर दो, 44.05 लीटर आया है। क्या कर सकते हैं भाई, महंगाई। कार्ड मशीन ले आना। बट एट द एंड ऑफ वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ ना, तो देखो सीधी सी बात है, प्रैक्टिकलिटी की तो इधर कोई बात ही नहीं आती। जब ओनर खुद ही कह रहे भाई शौक के लिए लगा रखे हैं और 10 सेक्टर में, मतलब चंडीगढ़ के एक सेक्टर में ही कार वगैरह हमारी घूमती है लॉन्ग टूर के लिए, दूसरी कार है, तो इसमें ना ये बात तो आती नहीं कि भाई लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि बात वही आ जाती है भाई शौक की बात है, टशनबाजी की बात है, अब गेड़ी गुड़ी मारनी है थोड़ा सा यू कि चमकने है भाई क्राउड में, तो करके लोग ये सब कराते हैं। और मुझे तो पर्सनली भाई बढ़िया चीज लगी, अगर आपके पास अंधा पैसा है, आप रिच फर्म है तो आप करा सकते हैं। बट भाई ऑब्वियसली बात है जिसके पास एक ही कार है वो तो ये सब नहीं कराएगा ना भाई, वो भी भाई फोर व्हील ड्राइव इंडेवर भाई, मतलब ऑफ रोडिंग तो भूल ही जो, ऑफ रोडिंग क्या, मतलब उबड़ खाबड़ रोड पे चलना भी भूल ही जो, क्योंकि भाई बहुत ही लो प्रोफाइल टायर है। तभी भाई ये काम ना गिन चुन के बहुत ही कम लोग करवाते हैं, मतलब कि 2-3 इंडेवर ही हैं जिनमें 26 इंच के अलॉय हैं। तो इस कमेंट सेक्शन में ना अपने ओपिनियन जरूर दे भाई, आपको ये वाली इंडेवर कैसी लगी? मुझे तो भाई जबरदस्त, मतलब कि इनिशियली तो ना मैं इसे देखता ही जा रहा था भाई, जो सुंदर लग रही है ना। एंड यार वीडियो में ना वो लुक नहीं आते, मतलब वीडियो में ना ऐसे छोटे ही लग रहे हैं टायर, बट जो रियल लाइफ में है ना भाई जबरदस्त, जैसे मैंने पहले फोटो में देखा था ना और अब रियल में, मतलब कि भाई बहुत फर्क भाई, बहुत ही ज्यादा फर्क। सो फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और भाई टेम्परेचर देखना कितना हो रखा है, 43 डिग्री, बुरा हाल भाई।